वो क्या हो रहा है? वो देखो वहाँ, वो क्या है? प्रीति है, अब क्या होगा? यही था रात में, मैंने कहा था ना, इसी की छाया देखी थी मैंने। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। आप यहाँ क्यों आ गए? यहाँ से जाइए, ये लोग डर जाएंगे आपसे। अरे मैं वीर हूँ, वीर आपका दोस्त, हम लोग रात में मिले थे ना, याद है? अरे मैं इस रस्सी से आप तक आने के लिए रोबो बना हूँ, मैं वीर हूँ, वीर पहचानिए मुझे। वीर उसे असली यति समझ रहा है, वेरी गुड। वीर उसे असली यति समझ के अटैक नहीं करेगा और मेरा यति रोबोट वीर को गलती से गिर गए थे, मैं आपको गिराना नहीं चाहता था, बस यहाँ से लौटाना चाहता था। सॉरी, वी आर फ्रेंड्स, ये लो चॉकलेट। पहचान लिया, ये थी की झप्पी। कैसा लग रहा है वीर? आज तुम बच के नहीं जा सकते, मेरा ये थी रोबोट तुम्हें खत्म कर देगा। ओ तो ये बात है, वो रोबोट है जिससे मैं लड़ रहा था। दोस्त तुम साइड में हो जाओ, मैं इसे देखता हूँ। वो देखिए, रोबो बॉय अभी भी लड़ रहा है।
रोबोट तो गया। He is right, boss. He is right. I am mad. Wait. I am coming. लो बच्चों, सबके लिए गाजर का हलवा, चाट और खीर। हाँ दादा जी। हाँ हाँ, मुझे भी दीजिए। बहुत लगी है। अरे ये वीर कहाँ गया? दादाजी मैं यहाँ हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वो कहाँ है आज? सामने क्यों नहीं आ रहा? दस मैड मैक्स, ये कहाँ से आ गए? वीर, वक्त और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज मैं तुमसे बाहर शक्तिशाली हूँ। आज पहला बार मैं नहीं, तुम करोगे। चलो मुझ पे वार करो वीर, वार करो। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। वीर, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। मेरे जिन, सारे मैड मैक्स को ठीक कर दो। टिम्बकटू के पास जिन, ये कहाँ से आ गया? अब मेरी बारी है वीर, मेरी बारी। टिम्बकटू को जिन कहाँ से मिल गया? मैंने जो जिन का चिराग फेंका था वो ही उसे मिल गया होगा। तुम भी ना जिंटू, अब जाओ वीर की मदद करो। ओह तेरी की, ये भी जिन है, इसे रोकना होगा। ठीक है चिंटू, तुम वीर की मदद करने गए तो मेरा जिन यहाँ तुम्हारे बाकी दोस्तों को खत्म कर देगा। इन्हें बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। वीर, अब मैं देखता हूँ तुम इन लोगों को कैसे बचाते हो। इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। वीर, टिम्बकटू की जिन को मैं देख लूंगी, तुम मैड मैक्स को संभालो। ओके इमली। मैं ठीक हूँ दादाजी। वीर, उस जिन को जिंटू ने गायब कर दिया है। ऑल द बेस्ट। कहाँ हो? मेरे रोबोट मैड मैक्स सब टूट रहे हैं। अपने जिन को भेजो मेरी मदद करने के लिए। कैसा जिन बॉस, किस जिन की बात कर रहे हो? मैं सिर्फ डस्टबिन के बारे में बात कर सकता हूँ और वो ही आपको दे सकता हूँ बॉस। हाँ,
खबरदार। बॉस, अभी तो मैं आपको सिर्फ बीमार कर सकता हूँ। नहीं, मैं फिर आऊंगा। दादाजी, दादाजी, आज इतनी गर्मी क्यों है? मेरा पसीना बहना बंद ही नहीं हो रहा। जिंटू तो घबरा के जिन लोग चला गया है। उसने कहा जब गर्मी कम हो जाए तो बुला लेना। इस समय बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है, देखो। आज की ब्रेकिंग न्यूज। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अर्थ अपनी जगह पर रुक गई है। उसने अपनी दूरी पे घूमना बंद कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा फुरसतगंज को है, क्योंकि फुरसतगंज सूरज की डायरेक्ट गर्मी का एपिसेंटर है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुरसतगंज और फिर पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अरे कितनी बड़ी शाख है ये। चुलबुल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी भी, हम चुपचाप छुप के आए हैं। दादाजी से पूछते तो वो कभी आने नहीं देते, इसलिए हम चुपचाप तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। लेकिन इमली, यहाँ बहुत खतरा है, तुमको नहीं आना चाहिए था। वी, तुमको लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने देती? हम लोग जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। हाँ, वो देखो, सी बैट नजदीक आ रहा है। मैं जमीन खोदने की लेजर्स ऑन करता हूँ। वी, ये क्या? इमली, चुलबुल कैसे आ गए तुम्हारे साथ? सॉरी दादाजी। वाह, ये है क्या? और ये जमीन के नीचे कैसे आ गई? ये बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई होंगी इमली। वीर, वीर! मोनोकार तो रुक गई है। वीर, लगता है पत्थरों के टकराने से मोनोकार के सामने के वायर्स डैमेज हो गए हैं। बाहर जाके उसे चेक करके जल्दी से रिपेयर करो। ओके दादाजी, मैं चेक करता हूँ। इमली, तुम इंजन पे रहो, मैं बताता रहूँगा क्या करना है। ओके वीर। ओह, ये तो एसिड है, इससे तो आयरन भी मेल्ट हो रहा है। मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो मेरे पार्ट्स भी मेल्ट हो जाएंगे। इमली, जरा ग्रीन बटन प्रेस करना। वी, जल्दी आ जाओ, इंजन स्टार्ट हो गई है, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। ओह इमली, तुमने ट्रेन का इंजन कैसे स्टार्ट किया? क्या इस बटन से?
वीर, तुम्हें इस लेयर में बहुत सावधानी दिखानी है, क्योंकि तुम सबके पास सिर्फ 30 सेकंड है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर ज्यादा समय लिया तो पूरी ट्रेन पिघल जाएगी। चुलबुल, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ऊपर वाले से प्रेयर कर रहा हूँ, ये मुश्किलों में काम आने वाला मंत्र है। दादाजी, हम लोग अर्थ सेंटर कोर तक आ गए हैं। ओके वीर, अब तुमको 5 लाख माइल्स पर आर की स्पीड से ट्रेन को चलाना है। इसके लिए तुम्हें टाइम बूस्टर बटन प्रेस करना है। जितनी बार प्रेस करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी। बेस्ट ऑफ लक वीर। ओके दादाजी। दादाजी, मुझे शायद स्पीड और इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं वीर, और स्पीड इंक्रीज करोगे तो मोनोकार के कोचिस के टूट के बिखरने का खतरा है। दादाजी, और कोई ऑप्शन नहीं है और टाइम भी कम है। नहीं वीर, नहीं। नहीं वीर, स्पीड कम करो, नहीं तो बोगी टूट कर अलग हो जाएंगी। दादाजी, हमें ये करना ही होगा, वरना ये ट्रेन मेल्ट हो जाएगी। दादाजी, सेंटर कोर घूमना शुरू हो गया है। Yes, वीर, you have done it. अब जल्दी से बाहर आ जाओ। वीर, इमली, क्या हुआ? वीर, कुछ तो बोलो वीर। वीर, इमली। We are out of danger, दादाजी। Yes, yes, वीर, इमली, चुलबुल, yes. Mission accomplished.